क्षेत्र में हुई दो अलग अलग दुर्घटनाओं में चार व्यक्तियों की मौत हो गई। एक 23 दिन की बालिका भी दुर्घटना में घायल हुई। पहली घटना में मुकेश पिता भांगड़ा बिलाला उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम भीती थाना नानपुर जिला अलीराजपुर एवं उसकी पत्नी मुन्नीबाई 20 वर्ष के ग्राम ढोलिया में एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है। वहीं उनकी 23 दिन की लड़की जीवित है जो ICU कुक्षी अस्पताल में भर्ती है। वहीं दूसरी घटना में खेर खोदरा ग्राम सुसारी थाना कुक्षी के अंतर्गत हुए एक्सीडेंट में गजेंद्र पिता रविंद्र बिलाला उम्र 22 वर्ष निवासी चौगड़िया फलिया आली एवं रवि पिता अंतर सिंह बिलाला उम्र 22 वर्ष निवासी चौगड़ा फलिया आली की मृत्यु एक्सीडेंट में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री एवं भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना बघेल शासकीय चिकित्सालय पहुंची एवं घायल दूध मुहे बच्चे के हाल जाने। श्रीमती बघेल ने बताया कि घटना की जानकारी उन्हें ग्राम ढोलिया से प्राप्त हुई थी। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस बहुत देर से घटना स्थल पर पहुंची। श्रीमती बघेल ने घटना में मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार एवं प्रशासन से मृतकों को राहत राशि देने की बात कही है। टीम भारती न्यूज। आज 26 स्टेट हाईवे मेरे गाँव में बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना घटित हुई है। वहाँ से मेरे पास फोन आया कि पौन घंटे से हमने फोन लगाया पुलिस विभाग को, लेकिन अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई। तो मैंने SDOP और TI से मैंने बात की और तुरंत गाड़ी पहुँचाई। दोनों नव दंपति तो स्पॉट पे ही खत्म हो गए, लेकिन 15 दिन की बच्ची बच गई है। और इसके अलावा कॉलेज के वहाँ भी दो लोग शादी में जा रहे थे, तो वहाँ भी मोटरसाइकिल से कोई गाड़ी या कोई से भिड़ंत होने से वहाँ पर भी स्पॉट पर ही डेथ हो गई है। ये भारी वाहन अभी लगातार चल रहे हैं, रेतों के ट्रक चल रहे हैं और कोई कोई पे नियंत्रण नहीं है, और सरकार मुखदर्शक होकर के बैठी हुई है। और पुलिस प्रशासन को भी मुझे फोन करना पड़ा, वहाँ पौन घंटे तक गाड़ी नहीं पहुँची है। तो ये इस तरह की बार बार घटना घटित होने पे सरकार इस पर कोई भी किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जबकि इनके खिलाफ इनको RTO के माध्यम से अधिकारियों के माध्यम से इन पर थोड़ी कड़ाई करना चाहिए और इनके जो जितने रफ्तार से चलती है उनको धीरे करने के लिए भी निर्देश देना चाहिए। लेकिन इस जिले में दो दो मंत्री हैं, विधायक है, पूरी सरकार है, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं दे रहे। बेचारे आदिवासी गरीब उन परिवारों के लिए मेरी संवेदना है। और अभी 15 दिन की बच्ची है, सरकार कोई न कोई आर्थिक मदद दे। दोनों माँ बाप मर गए बच्ची के, उनके भी लड़के के, उनके जो 15 दिन की बच्ची के पिता है उनके भी माता पिता नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में बच्ची की परवरिश करना भी बहुत आवश्यक है। तो सरकार ने ध्यान देना चाहिए, यहाँ के विधायक ने और यहाँ के अधिकारी कलेक्टर ने, और उसकी परवरिश करना चाहिए बच्चों की। बस मुझे इतना ही कहना है कि इन्होंने नियंत्रण सख्ती से करना चाहिए, भारी वाहन और ट्रकों के और ड्राइवरों को और धीमे चलाने के निर्देश देना चाहिए। कल थाना क्षेत्र कुक्षी का अंतर्गत एक ढोलिया बस स्टैंड और एक सुसारी खेर खोदरा के पास में एक्सीडेंट की घटना हुई है, जिसमें दो अलग अलग घटनाएं हैं। उसमें एक जो ढोलिया वाला आया था उसमें एक मौके पर स्पॉट पे डेथ हो चुकी थी और एक इलाज के दौरान उसकी डेथ हुई, और खेर खोदरा में मौके पे एक डेथ हुई थी और एक इलाज के दौरान। इस प्रकार कल चार एक्सीडेंट के दौरान ख़त्म हुई है, और फिलहाल में उसका PM करवाया गया है और आज परिजनों को सौंप दिया गया है। बच्ची छोटी बच्ची भी एक है उसका उनके क्या? परिजनों को सूचना दी गई है और उनको सुपुर्द किया गया है।